नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से क्या रहा, मैं आपको एक एक करके जानकारी यहां पर देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो एक बात चीन की नापाक हरकत को लेकर आ रही है। चीन अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। पिछले हफ्ते दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़पों के बाद उसने अपने माइंड गेम को खोलना शुरू कर दिया है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के बेहद करीब से उसके हेलीकॉप्टर्स चक्कर काटते हुए नजर आए। ये घटना उस समय हुई जब उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों में टकराव हुआ था। वायुसेना के सूत्रों का जो जवाब आ रहा है वो उनका कहना है कि फाइटर जेट्स अपनी सीमा में उड़ान तो हमने जरूर भरी थी, लेकिन वो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था। दोस्तों, चीनी सेना के हेलीकॉप्टर्स कई बार भारतीय एयर स्पेस में घुस चुके हैं। वे जानबूझकर ऐसे निशान छोड़ते हैं जिससे भारत के इलाके पर वे दावा ठोक सकें। LAC के अलावा भारत चीन सीमा के कई हिस्से ऐसे हैं जहां कोई निश्चित बॉर्डर नहीं है। मगर दोस्तों, चीन की किसी भी हरकत को पता लगाने के लिए हमारे पास अब ऐसा रडार सिस्टम लगा है जो कि इन्हें आसानी से ट्रैक कर लेता है। जी हाँ, आपको बता दें कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने दो लो लेवल लाइट वेव रडार बनाए हैं। इन्हें बॉर्डर के पास तैनात किया गया है ताकि निगरानी रखी जा सके। इन रडार के नाम भरणी और अश्लेषा है। भरणी जहां 2D रडार है, वहीं अश्लेषा 3D है। इन दोनों रडारों के नाम भारतीय नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं। भरणी को खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में UAVs और RPV हेलीकॉप्टर्स और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट ट्रेस करने के लिए बनाया गया है। ये एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को पहले ही वार्निंग दे देता है। अश्लेषा 3D रडार है। इसे मैदानी इलाकों से लेकर रेगिस्तान पहाड़ की चोटियों तक तैनात किया जा सकता है। ये हर तरह के एयर टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये स्टैंड अलोन और नेटवर्क दोनों मोड पर काम करता है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आप साफ साफ समझ सकते हैं कि चीन की हरकत हर बार यहाँ पर गलत मंशा से देखी जा सकती है और वो बार बार LAC पर इस तरीके से अपने निशान छोड़ता है जिससे पता लग सके कि वो एरिया उसका अपना हो गया है। लेकिन यहाँ पर भारत ने भी अपनी रूटीन एयरक्राफ्ट की यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उनको ऑपरेशनल किया ताकि लग सके चीन को भी कि हाँ, आखिर में यहाँ पर भारत का दबदबा भी है। बहरहाल, अभी तो फिलहाल इस पर चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि चीन ने आखिर ऐसा क्यों किया। दोस्तों, यहाँ पर अगली खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनका मंत्रालय सीमा पर नजर आने वाले दुश्मन के साथ ही कोरोना वायरस जैसे अदृश्य दुश्मन से निपटने के लिए तैयार है। राजनाथ ने कहा कि भारत को सैन्य उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आयोजित ऑनलाइन समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को सैन्य उपकरणों के निर्माण में निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा और सरकार इसके लिए एक नीतिगत ढांचा बनाकर घरेलू रक्षा उद्योग को समर्थन दे रही है। दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा कि DRDO ने COVID-19 के खिलाफ जंग में 50 से ज्यादा उत्पाद तैयार किए हैं। यानी कि यहाँ पर रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा उत्पाद के बारे में काफी अहम बात कही है और उन्होंने घरेलू रक्षा उत्पाद के लिए भी लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही है। साथ ही स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर फोकस करने को कहा है क्योंकि उनका मानना है कि स्वदेशी उत्पाद का कोई और विकल्प नहीं हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अगली खबर की बात करते हैं वो फिर से चीन की हिमाकत को लेकर आ रही है। पूरी दुनिया में जहाँ कोरोना वायरस से जंग लड़ने में व्यस्त हो रखी है, वहीं चीन इस मौके का फायदा उठाने में लगा हुआ है। भारत से 600 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में चीन द्वारा एक आर्टिफिशियल द्वीप का निर्माण करने की बात सामने आई है। ये निर्माण शुरू हो चुका है और जल्द ही चीन यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। चीन अपने इस कदम से भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट से जारी तस्वीरों के मुताबिक चीन मालदीव से जो क्षेत्र लीज पर लिया है वहां पर काम शुरू कर चुका है। बताया जा रहा है कि चीन आगे और कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना पर काम कर रहा है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने अपने कार्यकाल के दौरान 2016 में फाइटोफिलन द्वीप समेत 16 द्वीपों को 50 साल के लिए चीन की कंपनियों को लीज पर दे दिया था। अब चीन इन द्वीपों पर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्य कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस द्वीप में इतने बड़े पैमाने पर चीन द्वारा, दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इन द्वीपों पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चीन की तरफ से किया जाना कहीं ना कहीं भारत को घेरने की साजिश है। साथ ही हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बढ़ाने की बात भी है। आखिर भारत को यहाँ पर खतरा क्यों है, ये बात भी आपको जानना बेहद जरूरी है। चीन के इस कदम से भारत को सबसे ज्यादा खतरा इसलिए है क्योंकि जो द्वीप बन रहे हैं उनकी दूरी भारत से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर है। यानी कि 20 मिनट में कोई भी मिसाइल पहुंच सकती है वहां तक। हालांकि भारत ने भी तैयारी शुरू कर दी है। चीन इस द्वीप का निर्माण साउथ चाइना सी की तर्ज पर कर रहा है। बता दें कि चीन पहले भी फिलीपींस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य कर चुका है। इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय अदालत भी चीन को निर्माण कार्य बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन चीन आदेश नहीं मानता। यानी कि हिंद महासागर में अब वो अपने वर्चस्व को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है और यहाँ पर भारतीय नेवी को और भारत सरकार को
बहुत ही ज्यादा सजग होने की जरूरत है कि इस तरीके के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि 600 किलोमीटर की दूरी कोई मायने नहीं रखती। और साथ ही दोस्तों ये सबसे बड़ी हमारी विदेश नीति की भी यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कमजोरी है कि हमने उस टाइम मालदीव को सही तरीके से नहीं समझा। और यहाँ पर मालदीव की सरकार की गलती भी हम समझ सकते हैं कि अब्दुल्ला यमन की जो सरकार थी वो खास करके प्रो चाइनीज रही है और उसने भारत को किसी भी तरीके से इंटरफेयर करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पर भारत की कूटनीति को और ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है और भारत को यहाँ पर अपना एक यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए और चीन की इस गतिविधि को रोक देना चाहिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसको हम ऐसे स्किप नहीं कर सकते और हमें इस पर अपने विचार जरूर रखने चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है इस चीन की इस हरकत के ऊपर, आप क्या समझते हैं? एक तरफ तो वो हमें परेशान कर रहा है लद्दाख में और सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में, और दूसरी तरफ हिंद महासागर में। तो इस तरीके से हमारे पास भी कौन सा ऐसा विकल्प है जिससे हम चीन को एक मजबूत जवाब दे सकते हैं, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। भारत के साथ ट्रेड संबंध सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान को अपनी हालत समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। कोरोना संकट ने उसे समझा दिया है कि भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को सस्पेंड करने का उस पर कैसा प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अब हालत ये आ गए हैं कि जरूरी दवाओं के आयात की आड़ में वो भारत से खाने पीने की चीजें मंगवा रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार संबंध तो सस्पेंड किया ही था, साथ ही ट्रेन और बस सेवा भी रोक दी थी। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान को अब धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि उसको ये तो लगा था कि हम ट्रेड इनके साथ बंद कर लेंगे, ट्रेनें बंद कर देंगे। हालांकि भारत भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अब बैकफुट पर आ गई है इमरान खान की सरकार। बाजवा भी एक तरह से झुक गया है, उसको लग रहा है कि यार अब बिना भारत के साथ हमारा काम नहीं चल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें भारत से वहाँ पर पहुँचाई जाती थी, लेकिन बंद होने से यहाँ पर बैकफुट पर आना पड़ रहा है। और यही नहीं, दवा के साथ साथ वो भारत से अब सरसों का तेल भी मंगवा रहा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।